अनुपमा की कहानी में तोशु को लेकर एक बार फिर से शाह हाउस में ड्रामे होने वाले हैं। जैसा कि आप फिलहाल देख ही रहे होंगे, पारितोष बदलने का पूरा पूरा नाटक कर रहा है। पारितोष अपने भोले भाले चेहरे के पीछे की साजिशें किसी के सामने नहीं आने दे रहा, और तो और तोशु की साजिशों में फिलहाल फंसती हुई काफी हद तक किंजल नजर भी आ रही है। किंजल को यकीन होने लगा है कि वाकई उसका पारितोष बदल चुका है, लेकिन किंजल का ये यकीन देविका आंटी तोड़ने वाली हैं। अब देख रहे होंगे देविका की एंट्री शो में हुई, और अब आगे आने वाले एपिसोड में ये देविका पारितोष की सारी सच्चाई किंजल के सामने लाने वाली है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे देविका को इस बात की भनक लग जाएगी कि तोशु बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, पाखी की तरह ही अनुपमा के साथ साथ पूरे परिवार की आंखों में धूल झोंक रहा है। और जब इस बात का एहसास यहां पर देविका को हो जाएगा, देविका कर लेगी फैसला पूरे परिवार के सामने पारितोष को एक्सपोज करने का। आप देखेंगे देविका यहाँ पर पूरे परिवार के सामने खींचती हुई पारितोष को लेकर आएगी, पारितोष के गाल पर जोरदार तमाचा मारेगी, और तो और यहाँ पर देविका पारितोष को खूब खरी खोटी भी सुनाएगी। पूरे परिवार के सामने बताएगी कि तोशु अब भी उस लड़की से मिलता है। अब देखना होगा पारितोष अपने डिफेंस में क्या कुछ कहता है।